तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का ये वीडियो आपके इंग्लिश के लेवल को काफी एडवांस बनाने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बड़े बड़े सेंटेंसेस को सिर्फ एक वर्ड में बोलना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बड़े बड़े सेंटेंसेस को सिर्फ एक वर्ड में बोलना। एग्जाम्पल के तौर पर, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनेशंस आर स्टोर्ड, एक जगह जहां हथियार और गोला बारूद रखा जाता है। तो आपको इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसे सिर्फ एक वर्ड में बोल सकते हैं, और वो वर्ड है आर्सेनल। आर्सेनल से तो आपको पक्का फुटबॉल टीम याद आ गया होगा, पता है मुझे। बट आर्सेनल का मतलब होता है अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनेशंस आर स्टोर्ड। तो चलिए सीखते हैं ऐसे ही 10 और वर्ड्स जिसे हम 10 बड़े बड़े सेंटेंसेस के जगह यूज कर सकते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है हर्डल। हर्डल का मतलब होता है अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी दैट मस्ट बी ओवरकम, समस्या या कठिनाई जिसे दूर किया जाना जरूरी है। जैसे ऑफिस में बॉस या एचआर कभी कदार हर्डल लेता है, ताकि आपको अगर कोई समस्या हो रही, कोई कठिनाई हो रही काम को लेकर, तो उसे दूर किया जा सके, उसे सॉल्व किया जा सके। तो आपको आज ये पता चल गया होगा कि ऑफिस में आखिर हर्डल लिया क्यों जाता है। ऑफिस में हर्डल इसलिए लिया जाता है ताकि आपको अगर काम को लेकर कोई समस्या हो रही, आपको काम को लेकर कोई कठिनाई है, तो उसे दूर किया जा सके। तो ये है आज का हमारा पहला वर्ड हर्डल, मतलब अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी दैट मस्ट बी ओवरकम। दूसरा है मिसोजिनिस्ट। ये थोड़ा अजीब है। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, एक ऐसा इंसान जो औरतों से नफरत करता है। अब कोई औरतों से, लड़कियों से कैसे नफरत कर सकता है, कितनी प्यारी प्यारी होती हैं ये लड़कियां। अब अगर आपको भी कोई ऐसा इंसान दिखे जो औरतों से, लड़कियों से नफरत करता हो, तो आप उसे मिसोजिनिस्ट बोल सकते हैं, यानी स्त्री जाति से नफरत करने वाला इंसान। आई हेट मिसोजिनिस्ट, यानी मैं उस इंसान से नफरत करता हूं जो औरतों से, लड़कियों से नफरत करता है। क्या आपको मिसोजिनिस्ट यानी एक ऐसा इंसान पसंद है जो स्त्री जाति से नफरत करता है, ये कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये है आज का हमारा दूसरा वर्ड, है ना काफी इंटरेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं तीसरा वर्ड। तीसरा है ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा इंसान जो बहुत खाता है, एक पेटू इंसान। जैसे मेरा एक फ्रेंड जो बिल्कुल दुबला पतला है, एकदम माचिस के टिंगे जैसा, लेकिन अकेले वो 4 लोगों का खाना खा सकता है। अब ऊपर वाला ही जाने वो जो इतना खाता है आखिर जाता कहाँ है। तो आज से आप भी अगर किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो बहुत खाता हो, जो पेटू हो, तो आप उसे ग्लटन बोल सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा खाओ इंसान, एक नंबर का पेटू। तो ये है आज का हमारा तीसरा वर्ड ग्लटन, यानी अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक पेटू इंसान, एक बहुत ज्यादा खाने वाला इंसान। चौथा है गलेबल, मतलब इजली ड्यूप और फूल, यानी जिसे आसानी से ठगा जा सके, बेवकूफ बनाया जा सके। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो बेचारे बहुत भोले होते हैं, जिन्हें ठगना बहुत आसान होता है, और बहुत से लोग उन्हें ठगते भी हैं। तो ऐसे ही भोले सीधे साधे इंसान को बोला जाता है गलेबल। ही इज सो गलेबल, वो बहुत भोला है, यानी वो एक ऐसा इंसान है जिसे आसानी से ठगा जा सकता है, जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। He is so gullible, he will believe anything. वो इतना भोला है कि वो कुछ भी मान लेगा। तो ये है हमारा चौथा वर्ड गलेबल, यानी भोला, जिसे आसानी से ठगा जा सके, जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, एक ऐसा इंसान जो चीजों के उज्जवल साइड को देखता हो, यानी जो किसी चीज के अच्छाई को देखता हो। एक आशावादी इंसान, एक पॉजिटिव इंसान जो सकारात्मक सोच रखता है, ऐसे इंसान को बोला जाता है ऑप्टिमिस्ट। आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, मतलब मैं एक आशावादी इंसान हूँ, मैं एक सकारात्मक सोच रखने वाला इंसान हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो किसी चीज़ की अच्छाई को देखता है, ना कि उसके बुराई को। नेक्स्ट है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट का उल्ट होता है, यानी उसका अपोजिट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशवादी इंसान,
An optimist sees the rose and a pessimist the thorn. एक आशावादी इंसान गुलाब देखता है और एक निराशवादी इंसान कांटा देखता है। यानी एक आशावादी जो इंसान होता है वो हमेशा चीज़ों में अच्छाई को देखता है, उसके पॉजिटिव साइड को देखता है, और एक जो निराशवादी इंसान होता है यानी एक पेसिमिस्ट, वो चीज़ों के खामियों को देखता है, उसके नेगेटिव साइड को देखता है। तो ये है आज का हमारा छठा वर्ड। नेक्स्ट है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है नोइंग और यूजिंग सेवरल लैंग्वेजेस, कई भाषाएं जानना या इस्तेमाल करना। जैसे आई एम अ पॉलीग्लॉट, यानी मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे कई भाषाएं आती है। मुंबई इज अ पॉलीग्लॉट सिटी। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां कई भाषाएं इस्तेमाल की जाती है। तो ये है आज का हमारा सातवां वर्ड। चलिए देखते हैं हमारा आठवां वर्ड। हमारा आज का आठवां वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो वो दिखाने की कोशिश करे जो वो है ही नहीं, यानी ढोंगी जालसाज। He is an imposter, यानी वो एक ढोंगी है, वो एक जालसाज है। He has got to know he is an imposter, उसे पता चल गया है कि वो एक ढोंगी है, वो एक जालसाज है। तो ये है आज का हमारा आठवां वर्ड, इम्पोस्टर यानी ढोंगी जालसाज। नेक्स्ट है ineffable। ineffable का मतलब होता है that which cannot be expressed in words, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे कोई चीज जो बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जिसकी खूबसूरती बयान करने के लिए आपके पास शब्द ना हो। beauty of the sun is ineffable, सूरज की खूबसूरती नाकाबिल जिक्र है, यानी सूरज की खूबसूरती इतनी है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। Your beauty is ineffable, तुम्हारी खूबसूरती नाकाबिल जिक्र है, यानी तुम इतनी खूबसूरत हो जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, तुम्हारी खूबसूरती को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, तुम्हारी खूबसूरती बयान करने के लिए मेरे पास क्या नहीं है, जी हाँ मेरे पास शब्द नहीं है। तो ये है आज का हमारा नवा वर्ड, है ना काफी इंटरेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं हमारा दसवां और आखिरी वर्ड। हमारा दसवां वर्ड है इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है समथिंग लास्ट फॉर एवर, कुछ जो हमेशा रहता है, एंडलेस, जिसका अंत नहीं होता। माय लव इज इटर्नल, मेरा प्यार हमेशा रहने वाला है, मेरा प्यार अवधि है, यानी मेरा प्यार कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो उम्मीद है गाइज आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही।